सवाल ये है कि Netflix इंडिया में उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है बिकॉज देर इज़ रूरल इंडिया, देर आर पीपल जिनके पास मोबाइल तक नहीं है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं. तो आपको क्या लगता है, क्या Netflix का जो माध्यम है वो इंडिया में अच्छा करेगा या कैसा होगा बिजनेस आपके लिहाज से? See, I think it's a platform which is very global. Aap jo dekh rahe hain, the main point is we are working very hard. We've been trying for 100 years to do crossover cinema. I think for the first time, many people will have an opportunity to actually even experiment and do crossover cinema because it's very difficult to do that. Because you've got an audience that you can cater to around the world, not just Indians and South Asians, but everywhere else. A digital platform, rural mein, it's going to take its time. But if you look at it, jo yahan cinema ki footprint bhi hogi, today in our cinemas, the problem is 60% of our box office comes from Bombay and Delhi. So if you take that into perspective, and 10 years back that's been the case, and now it's become 60%, it might become 50%. So you've got two urban territories, that is constituting of the box office. So actually the digital platform has more scope to spread out than even cinema can over a period of time. And I think this is all about it being jointly done, not one versus the other, ever. आपको लगता है क्या Netflix एक ऐसा माध्यम है जिस पर आप अपनी आवाज जो है या जो चीज आप दिखाना चाहते हैं वो खुल करके दिखा सकते हैं? देखिए, ये आई थिंक कहना बिल्कुल गलत होगा कि क्योंकि हम Netflix पे जा रहे हैं तो हमें खुली छूट है और इसीलिए हम Netflix पे अपनी फिल्म दिखा रहे हैं. हम इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि Netflix की जो रीच है वो दुनिया भर में है और बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे संजय ने अभी कहा कि 190 यू नो कंट्रीज स्ट्रीम Netflix और हमारा ऑडियंस बेस इतना ज़्यादा बड़ा है. तो हम निर्देशक हैं, हम कहानियाँ बनाते हैं और बताते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग ये फिल्म देखेंगे. अभी इसके लिए हमने यहाँ ये Netflix नहीं चुना है क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस या सीन्स होंगे जो हम जो बैन हो जाएंगे, या ऐसा कोई सेक्स नहीं. जैसे मैं कह रहा था कि हेट स्टोरीज में ज़्यादा सेक्स है, लव स्टोरीज में कम है. तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम सेक्स के लिए या कुछ भी हो रहा है इस फिल्म में, इसलिए हमने Netflix चुना. Netflix एक बहुत ही एम्पावर्ड प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर में मशहूर प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म में हमारे फिल्मों को दर्शाना एक अलग प्लेटफॉर्म बन जाता है हमारे लिए, एक अलग एक जगह हम बन जाती है. जैसे मैं टेलीविजन कर चुका हूँ, कुछ लोग यहाँ इस मंच पे स्टेज कर चुके हैं, अभी हम Netflix कर रहे हैं. हम अपनी वर्सेटैलिटी दिखा रहे हैं. सेंसरशिप कैसी है, क्यों है, वो हम उस गली के अंदर ना घुसना चाहते हैं ना घुसने वाले हैं. भैया, हमें अपने हाल पे छोड़ दो.